वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली ऑनलाइन ड्रेस। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरह की ऑनलाइन ड्रेस आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं डिटेल में इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये मैंने ले लिया है कॉटन फैब्रिक। ये जो मेरी कॉटन फैब्रिक है ये होल वाले फैब्रिक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का ये होल वाला फैब्रिक मैंने लिया है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप प्लेन फैब्रिक का भी यूज कर सकते हैं, प्लेन कॉटन फैब्रिक। और अगर आपको व्हाइट पे थ्रेड वर्क मिल रहा है, व्हाइट पे व्हाइट का थ्रेड वर्क, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लाइनिंग, क्योंकि ये होल वाला फैब्रिक है तो इसमें लाइनिंग जरूरी है। और यहाँ पर मैंने लिया है ये बॉटम के लिए फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है व्हाइट में। ये मेरी बॉटम के लिए है। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सा लेस, जो कि आप की ड्रेस में जब ये अटैच होगा तो ये बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है आपके कुर्ते को और आपकी प्लाजो को। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आप कुर्ते की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो चलिए इस तरह से हमने सबसे पहले डबल फोल्ड इस तरह से हमने फैब्रिक को कर लिया है। और अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम डालने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं इसमें ये वाली लेस। तो इस वाली लेस को सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि ये वाली लेस कितनी है, उस अकॉर्डिंग हम अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मेजर कर लिया है। तो ये हमारा आ रहा है 6 इंच। 6 इंच की हमारी लेस है। तो आपकी जितनी भी लेंथ है आप उसमें 6 इंच माइनस कर दीजिएगा और फिर इस कुर्ते की कटिंग कीजिएगा। मेरे कुर्ते की लेंथ है 41 इंच। 41 इंच में मैं माइनस करूंगी 6 इंच, जो हमारी लेस थी वो हमें लगेगी, तो वो हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35 इंच। तो 35 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 36 इंच पर हम अपने कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 36 इंच पर इस तरह से लगा लिया है निशान। और अब हम इस निशान को सीधी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इंची टेप रखकर लगाएंगे बस्ट का निशान। तो बस्ट जो है वो हमारी आती है 7 इंच पर, तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया। अब हमारी जो वेस्ट है वो आती है 14.5 इंच पर, यानी कि 14.5 इंच पर। और हमारा जो हिप है वो आता है 21.5 इंच, यानी कि 21.5 इंच पर। अब हम इन तीनों लाइन को इस तरह से सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर है हमारा 7 इंच पर, तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और सेम हम लगाएंगे आर्म होल का भी निशान। आर्म होल भी हमारा 7 इंच ही रहेगा, तो यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। उसके बाद हम लगाएंगे बस्ट का निशान। तो बस्ट है हमारा 36 इंच, हम उसमें 3 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 3 इंच हम उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये कॉटन है इसलिए हम 3 इंच प्लस करेंगे, नहीं तो हम 2 इंच प्लस करते तो हो जाएगा 39। 39 में हम 39 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे बस्ट का। अब हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 इंच में हम फिर से 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो हमारा हो जाएगा 37 इंच। 37 इंच का हम लेंगे फोर्थ पार्ट, जो कि होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब है हिप, तो हिप में भी हम सेम करेंगे। हिप है हमारा 37, हम उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे, जो कि होता है 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा बस्ट का निशान, वेस्ट का निशान और हिप का निशान। और अब हम इन तीनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया। और हम नेक भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैं ना ही बॉट नेक दे रही हूँ प्रॉपर, ना ही वी दे रही हूँ। ये वी मैंने बॉट नेक में हल्का सा मैंने वी शेप दिया है। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड पर ये जो चाक साइड होती है हमारी, चाक नीचे की, वो हम उसे उस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम 2-2 इंच की मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। तो हमने इस तरह से इंची टेप रखते हुए 2-2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा है मार्जिन का निशान। तो ये हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान भी लगा लिया है। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है, ये है हमारी फ्रंट साइड। और इसी तरह से हम बैक साइड भी कट कर लेंगे, यानी कि हमारा जो बैक पार्ट है कुर्ते का वो भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख लिया है और इसी की हेल्प से हम यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम वेस्ट पे, हिप पे और यहाँ जो ऊपर की साइड पे सिलाई लगती है यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हम उसी तरह से लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने लाइनिंग की कटिंग इस तरह से कर ली है। और हमेशा आप लाइनिंग को मेन फैब्रिक से छोटा कट कीजिएगा, 1 या 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग जो कट किया है नीचे की साइड से, मैंने इसे 1 इंच छोटा कट किया है। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी कट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है 13 इंच। आप जब भी स्लीव्स कट करें, अगर आप लेस लगाने वाले हैं, यहाँ पर मैं 6 इंच का लेस लगाने वाली हूँ, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग 6 इंच को माइनस कर दिया है जितनी मुझे स्लीव्स चाहिए थी, और फिर मैंने स्लीव्स कट कर लिया है। तो यहाँ पर स्लीव्स भी मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा आर्म होल है आगे की साइड की, यहाँ पर फ्रंट साइड की आर्म होल हमेशा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर मैंने इस आर्म होल को भी कट कर लिया है। तो अब हम कट करेंगे गले की पट्टी, यानी जो हमारी नेक है उसकी पट्टी। इसे यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम फ्रंट साइड की जो हमने नेक कट किया था उसे हम इस तरह से रख लेंगे और हम ड्रॉ करते हुए नेक की पट्टी भी कट कर लेंगे। गले की पट्टी भी हमने यहाँ पे कट कर ली है और अब हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम नेक जो है यहाँ पर नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज किया है नेक बनाने के लिए। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो रखी है 5 इंच और नीचे की साइड से हम 4 इंच पर इंची टेप रखते हुए ऊपर की साइड और 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और एक चौड़ाई में हम मार्क करेंगे जो कि हम लेंगे 1/2 इंच। यहाँ पर मैंने हमने 1/2 इंच का भी मार्किंग जो था वो कर लिया। अब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को हम मिला लेंगे। तो मैं जो मिला रही हूँ इसे गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से हम एक दूसरे कोने को जो है आपस में मिला लेंगे। और अब हम नीचे की साइड पे जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को उस वाली साइड के कॉर्नर से हम इस तरह से मिला लेंगे गोलाई का शेप देते हुए। तो ये हमारा बन जाएगा नेक का डिजाइन। तो अब हम इसी नेक के डिजाइन को बनाएंगे अपने कुर्ते में। किस तरह से बनाएंगे, स्टिच करेंगे, वो अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस डिजाइन को एक फैब्रिक के ऊपर रखकर उसे प्लेट से चिपका लेंगे और 1/2 इंच की दूरी रखते हुए हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो है वो हमारी जाएगी सिलाई में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक जो थी 1/2 इंच की दूरी रखते हुए कट कर लेंगे। और अब हम इससे जो हमने 1/2 इंच की दूरी रखते हुए फैब्रिक को कट किया था उस फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो चारों साइड पे हम इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम इस डिजाइन को लगाएंगे अपने कुर्ते के ऊपर। और यहाँ पर हमने गले की पट्टी जो है वो लगा ली है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बीच, बिल्कुल हमारे गले के जो बीच है वो कहाँ पर है, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और हमने जो डिजाइन बनाया था उस डिजाइन को हम बिल्कुल बीच में इस तरह से रखते हुए सिक्योर पिन से हम यहाँ पर इसे सिक्योर कर लेंगे, ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर ना भागे जब हम इसे स्टिच करें। तो यहाँ पर हमने सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ इस गले के जो हमने बनाया था डिजाइन उसके बीच में बिल्कुल हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम सिक्योर पिन को हटा लेंगे और ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी उसे हम कट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो उसके अलावा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे।
अब एक कट हम लगाएंगे ऊपर की साइड पे, एक कट हम लगाएंगे नीचे की साइड पे और इस डिजाइन को हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कुछ डिजाइन जो है वो बन गया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये जो नेक के जो डिजाइन है ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा ली एक सिलाई और हम लगाएंगे नेक के ऊपर थोड़ा सा हटाकर। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने हटाकर सिलाई जो है वो हमने लगा लेनी है यहाँ पर, और इसके साथ आपका जो ये नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। और अब मैंने ले ली है यहाँ पर ये वाली लेस, और इस लेस को मैंने सोचा कि यहाँ पर हम नेक के ऊपर लगा लेते हैं, तो ये जो डिजाइन है वो हमारा और भी उभर कर और बहुत ही अच्छा प्यारा डिजाइन हमारा जो है रेडी हो जाएगा कुर्ती के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाले जो लेस है ये मैं लगा रही हूँ नेक के ऊपर, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लुक जो है इस नेक का आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही अच्छा ब्यूटीफुल सा डिजाइन जो है बनकर हमारा नेक का रेडी हो गया। तो चलिए यहाँ पर हमने फ्रंट साइड का नेक तो हमने लगा लिया है, हमने स्टिच कर लिया है, अभी हम इसके आगे की सिलाई कर लेते हैं। तो हमने दोनों पार्ट के नेक को यहाँ पर रेडी कर लिया है, और लाइनिंग जो हमने छोटी कट की थी मैंने आपको बताया था हमेशा मेन फैब्रिक से लाइनिंग जो है वो छोटी होती है, और यहाँ पर लाइनिंग को हमने फोल्ड कर लिया है ये देखिए इस तरह से, और ये जो बैक साइड है इसे भी यहाँ पर मैंने लाइनिंग को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें अटैच करेंगे ये लेस जो हम लगाने वाले थे, तो ये लेस को हम यहाँ पर इस दोनों पार्ट में हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अटैच कर ली है, दोनों में हमने लेस लगा लिया है फ्रंट पार्ट और बैक साइड के पार्ट में, और यहाँ पर मैंने स्लीव्स में भी इस तरह से अटैच कर लिया है लेस को। अब हम दोनों की साइड्स जो है दोनों पल्ले की साइड्स वो हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसे भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बनाएंगे चाक, तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर चाक भी इस कुर्ते में रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस कुर्ते में जो है चाक रेडी कर लिया है, और मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी रेडी कर लिया है ये देखिए इस तरह से, और कुछ इस तरह से इसका लुक जो है आ रहा है, और बहुत ही प्यारा कुर्ती ये बनकर रेडी हुआ है। और इसके साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लेस कितना ब्यूटीफुल सा लेस है, और साथ में मैंने यहाँ पर प्लाजो भी स्टिच किया है ये देखिए, और प्लाजो के नीचे की साइड पे भी मैंने सेम लेस ये वाला लगाया है, और इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्यारा सा कुर्ता सेट अच्छा लगा हो, इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।